बिना शिक्षा के आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति विकसित नहीं हो सकता। हमारे कुछ मित्र हमसे जो अलग है, ये सरकार ने गुमराह किया, जवाब आएगा, कोई दिखा दे माई का लाभ। और जितने मेरे बिहार में स्टेट क्वालिफाई भाई है, बिहार की जवानी सड़कों पे पहुंचे हुए हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, रोजगार चाहिए। और अब बैकडोर से जो चूंकि छठा चरण में चल रहा है, फिर वही जेपी का मूवमेंट तैयार हो रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एसटीटी 2019 क्वालिफाइड महाआंदोलन, मांगे हैं कि ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट अविलंब दिया जाए, ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट की नियुक्ति अविलंब की जाए। पटना का गर्दनी बाग आंदोलनकारियों से एक बार फिर गूंज रहा है। आप देख रहे हैं कि एसटीटी के अभ्यर्थी जिन्होंने क्वालिफाई की है परीक्षा, वो आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। आवाज़ क्या है, मांग क्या है, हम इसके लिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी राजीव कुमार सिंह, मैं कैमूर से हूँ सर। क्या मांग लेकर आप लोग हैं? सर, हम बिहार सरकार की सबसे पहले तो जो ये नीतियां हैं, इन नीतियों के खिलाफ हैं, क्योंकि पहले तो ढूल मूल रवैया हो रहा है सरकार का। हम अपने सर्टिफिकेट को लेके और सर्टिफिकेट के बाद फिर अपनी नियुक्ति को लेकर के ये सारी, और इसमें बहुत सारी खामियां हैं इस प्रक्रिया में जो सरकार ने पैदा किया है, उनको दूर करने के लिए यही मांग लेकर के हम आए हुए हैं। जी, आप लोगों ने पहले भी कई बार आवाज़ उठाई है, तो क्या अभी तक आपको शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी बातचीत हुई है? आप जी सर, हमने सरकार से बहुत बार आवाज़ उठाया। आप जानते हैं कि ये सुशासन बाबू हमारे नीतीश कुमार, सोशल इंजीनियर जो भी कहे जाते हैं, इनका यही सोशल इंजीनियरिंग है सर, कि बात नहीं सुना जाना। और सरकार को हम चेतावनी ये दे देते हैं कि ये तो भंवर के घेरे हैं, दिल थाम अभी कुछ बाकी है, इस आगाज पर सवाल न कर, क्योंकि अंजाम अभी बाकी है। हमने आगाज किया है सर, भले ही मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार अभी इसको नहीं समझ रही है, इस अंजाम को हम दिखाएंगे। सरकार जिस तरह से हम लोगों का हक, हम लोगों के अधिकार का, क्योंकि एक शिक्षक को जब सर्टिफिकेट मिलता है सर पात्रता परीक्षा के तहत, तो सरकार ने प्राइवेट विद्यालयों में भी ये लागू कर दिया है कि स्टेट सर्टिफिकेट नहीं रहेगी तो आप किसी प्राइवेट विद्यालय में भी पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जैसे सरकार अगर हमारा सर्टिफिकेट इशू कर देती तो जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, वो स्कूल में जाते और पढ़ाते। और सबसे बड़ी बात सर, जैसे जैसे सरकार हमारी सर्टिफिकेट देने में ये डिले कर रही है, आपने सुना होगा कि हाई स्कूल और जितने भी अपग्रेडेड स्कूल हैं या प्लस टू स्कूल, उसमें शिक्षकों की कमी है। सरकार का कहीं ना कहीं बहुत तरह से ये बात सुनने को आता है कि राजस्व की बचत है, कोरोना काल है। ठीक है सर, राजस्व की कमी है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल हाईटेक हो रहे हैं। अगर सरकारी स्कूल में भी शिक्षक होते तो ऑनलाइन शिक्षा की जो पद्धति अपनाई गई है, अगर हर विषय का शिक्षक होंगे तभी वो पढ़ा सकते हैं, वरना कैसे पढ़ाएंगे। और सरकार कहीं ना कहीं स्कूल, सरकारी स्कूलों में कौन से बच्चे पढ़ने जाते हैं सर, गरीब असहाय, उन बच्चों के साथ सरकार एक खेल खेल रही है। सर, सरकार तो आती जाती रहती है, परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार से ये सवाल पूछता हूं कि क्या ये गरीब बच्चे जिनकी समय निकल जाएगी, जिनकी स्थितियां खराब हो जाएंगी, जिनको पहले क्लास, दूसरे क्लास, तीसरे क्लास में पढ़ना चाहिए, ये तीन तीन चार चार साल का समय निकल जाएगा, क्या इन परिस्थितियों को ये सरकार बदल सकती है? और हमारा राज्य कैसे विकसित होगा? बिना शिक्षा के आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति विकसित नहीं हो सकता, कोई भी स्थिति बदल नहीं सकती, या तो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत हो, या इस राज्य का हो, या देश का हो। क्योंकि सर, जब व्यक्ति की स्थिति सुधरेगी तो राज्य का सुधरेगा, देश का सुधरेगा। तो ये सरकार का सिद्धांत और नीति जो है उसके खिलाफ हम हैं। हमारे कुछ मित्र हमसे जो अलग हैं, उनसे भी हम ये आह्वान करते हैं कि आप साथ आइए, आप गुमराह मत होइए। सरकार ने गुमराह किया, क्योंकि पहला नियम जो बनता है उसके बाद दूसरा नियम नहीं बनाया जा सकता बिना उस नियम के निरस्त किए हुए, बिना उस नियम में संशोधन किए हुए। हमारी एनसीटी की जो शिक्षा की नियमावली है, हाँ, कथाकथित लोग कहते हैं कि राज्य सरकार अपने स्तर से उन नियमों में सुधार कर सकती है, तो सरकार ने क्या ऐसा लेटर निकाला? नहीं निकाला। जवाब आएगा, कोई दिखा दे माई का लाल कि एनसीटी के नियम या बिहार सरकार ने पहले जो शिक्षा के लिए 2020 में या उससे पहले जो नियम बनाया है उसमें सुधार करके ये विज्ञापन या लाया गया हो। और विज्ञापन ही कहीं ना कहीं गुमराह करने वाला है सर, तो मैं कहूँगा कि आप गुमराह ना हो, क्योंकि पहला नियम सर्वमान्य, अगर पहला बेटा बड़ा है तो दूसरे को बड़ा नहीं कहा जा सकता, बड़ा ही बड़ा
बड़ा रहता है, हमारा नियमावली ही बड़ा है, सर्वमान्य है। उसके बाद शिक्षा नियुक्ति की प्रक्रिया जो नियोजन इकाई में होती है, आप आइए, सर्वमान्य है सरकार जो पद्धति अपनाएगी अच्छे शिक्षक के लिए, ये सर्वमान्य है, हमारा उस पर कहीं कोई खिलाफ नहीं है। सरकार सर्टिफिकेट दे और अच्छे शिक्षकों की बहाली करे। आपका नाम? विकास कुमार। क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो रिजल्ट आया था 12 मार्च को, अब हम सर एक साल होने जाने वाला, 9 महीना हो चुका है, अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला है। आप किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हो तो आपको, आपके पास प्रमाण पत्र के रूप में क्या होता है? सर्टिफिकेट होता है, जो कि हमारे पास नहीं है। दूसरी बात यह है सर कि मैं इस मंच से बिहार में अपने सारे स्टेट क्वालिफाइड भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि सर अब जो अब घर में ना बैठें, अब अगर घर बैठेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम अगर सीट क्वालिफाई की सीट इंक्रीज की बात नहीं लिखे हैं इस बैनर में, मैं कुछ एक मेरे मित्र ने कहा था कि आपने सीट इंक्रीज की बात कहाँ लिखा है आपने, तो मैं अपने उस दोस्त भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर मैं 80,000 की बात कर रहा हूँ सर, तो ये सीट इंक्रीज की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार के पास तो 37,000 ही वैकेंसी था। अगर सरकार ये बोलती है कि अब 80,000 हो चुका है हमारे पास, जो कि हम नहीं मानते हैं, अब तो हम 80,000 नहीं मानते हैं, लेकिन सरकार अगर बोलती है कि 80,000 वैकेंसी है, तो अगर हम यहाँ पर लिखे हुए, हमारा बैनर में अगर लिखा हुआ है कि हम 80,000 की नियुक्ति की बात कर रहे हैं सर, तो ये तभी संभव होगा जब सीट इंक्रीज होगा। तो हम इसमें हम सीट इंक्रीज की ही बात कर रहे हैं, और जितने मेरे बिहार में स्टेट क्वालिफाई भाई हैं वो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हमारा शुरुआत हो चुका है। और मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा सर कि हमें उनका आश्वासन अब नहीं चाहिए, हमें आश्वासन, हमारे साथ मेरे महिला मित्र साथी सविता मैम थी, जिनको सरकार ने आश्वासन दिया था कि तुम आप जाओ दीपावली में, आपको तो घर से अपने सैलरी से मिठाई खाओगे। सर, दीपावली तो चला गया, अब तो होली आने वाला है, मिठाई तो दूर की बात है, हम इस कोरोना में यहाँ बैठे हुए हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए कि जिस जो पटना बिहार का हॉटस्पॉट है वहाँ पे हम बैठे हुए हैं इस कोरोना के इस वक्त में, तो समझो सर कि कोरोना का वक्त हमारे लिए सब इतना ज़्यादा दुखदाई है कि हमारे पास समस्या है सर, कोरोना से बढ़ के समस्या हमारे सामने भी है, तभी हम यहाँ पर आए हुए हैं। थैंक यू सर। आपका नाम? सविता कुमारी। क्या कहना चाहती हैं? सर, हम क्या कहें, दिख तो रहा है कि बिहार की जवानी सड़कों पे है सर, और हमारे मंत्री राज करते हैं सर, हमारे बिहार की जवानी है ये लोग सर, ये इनकी उम्र देखिए, हमारी उम्र देखिए, हमारे पापा आँख बिछाए हुआ है कि हमारी बेटी कब एक चेयर हासिल करे, और ये लोग अपने माँ बाप के आज तक बोझ बने हुए हैं, ये बोझा कब खत्म होगा सर? ये सरकार के हाथ में है, ये सरकार की गंदी नीति के कारण हम रोड पे हैं सर, और हमें सरकार से उम्मीद है, हम आशावान प्रवृत्ति के लोग हैं सर, और हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हमें नियुक्ति भी मिलेगी, लेकिन पता नहीं सरकार कब हमारी कुंभकर्णी नींद से जगेगी सर। हम वही नींद जगाने के लिए बार बार हम रोड पे उतरते हैं सर, और हमारा कुछ नहीं गिला सिकुआ है सर, हम सब एक हैं सर, और हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, यही सरकार हमें लाइन में लगाया है तो यही सरकार हमें नियुक्ति भी देगी। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ सर। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहना तो यही चाहते हैं सर कि स्टेट क्वालिफाई जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको जल्द से जल्द नियुक्ति पद दिया जाए, और चूंकि ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि 25 फरवरी को आपका जो भी छठा चरण वाला है वो नियुक्ति खत्म हो चुका है, और 7 चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करेगी, जब तक सर्टिफिकेट प्रोवाइड सरकार नहीं करेगी तब तक हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो यही सर, इस आंदोलन का मेन इंटेंशन यही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके सर्टिफिकेट को प्रोवाइड किया जाए स्टेट क्वालिफाइड जितने भी अभ्यर्थी। रामजीवन पंडित नाम है मेरा। सर, हम लोगों की सबसे पहली मांग यही है कि हम लोग 2020 में रिजल्ट आया और हम लोग क्वालिफाई कर गए, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा, जल्द से जल्द सर्टिफिकेट सरकार हम लोगों को दे। हमारे राज्य में बहुत सारे विद्यालय ऐसे भी हैं जहां पर शिक्षक 2-3 है जिसके भरोसे स्कूल चलता है, हमारे देश का भविष्य खतरे में है, हमारे देश के बच्चे अशिक्षित हैं, तो उसको शिक्षा देने के लिए हम सभी एकत्र हुए हैं और हम लोग क्वालिफाई किए हैं सरकार के नियुक्ति के लिए, हम लोगों को नियुक्त करें, सर्टिफिकेट प्रदान करें और जल्दी से जल्दी 7वें पेज का
नोटिफिकेशन जारी कर हम लोगों को स्कूल में भेजे। अगर सरकार हम लोगों को जल्द से जल्द स्कूल में भेजती तो आज हम लोग इस तरह से रोड पर नहीं होते, सड़क पर नहीं होते, धरना नहीं देते। लेकिन सरकार ने हम लोगों की ओर थोड़ा भी नहीं ध्यान दिया, देश के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है। बहुत सारे नाम सुनते थे हम लोग, बचपन से देखते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन आज क्या, जिस स्कूल से उन्होंने पढ़ के पास किया है उस स्कूल को मैंने देखा है, वहाँ पर भी मैंने गया है, उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। वहाँ का स्कूल गिरने के कगार पर है ऐसा प्रतीत होता है। सरारंजन के विद्यालय से थोड़ा सा दूर है उनका विद्यालय, वहाँ भी मैंने और भी बात। मेरा नाम लखिंदर कुमार हुआ, मैं मुजफ्फरपुर से बिलोंग कर रहा हूँ। शॉर्ट में थोड़ा बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि हम लोग क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं और बिहार में लगभग 3.5 लाख सीट खाली है, तो इसमें जल्द से जल्द जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं सभी का सर्टिफिकेट निर्गत किया जाए और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। ठीक ठीक। मैं विकास कुमार पटना जिला से आता हूँ। हम सभी 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, सर्टिफिकेट अविलंब से अविलंब जारी हो। कहे कि 12 मार्च को रिजल्ट आया था और 9 महीना रिजल्ट के आए हुए हो गए, अभी तक सर्टिफिकेट हम लोग को निर्गत नहीं किया गया। 80,402 अभ्यर्थी हैं और कुछ और भी लोग हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम है। मुस्तकीम साहब क्या कहना चाहते हैं? अरे आप तो देख ही रहे हैं, पत्रकार लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग रोड पर पहुंचे हुए हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, रोजगार चाहिए। सरकार की नियमावली जो बनी उसके तहत हमने एग्जाम दिया, पास किया, क्वालिफाइड हुए, अब हम लोग को नौकरी चाहिए, नियुक्ति चाहिए, और क्या कहेंगे हम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर संज्ञान ले, अतिशीघ्र जो है सर्टिफिकेट वितरित करके हम लोग को स्कूल में भेजे, यही हमारी मांग है। कितने क्वालिफाइड हैं? देखिए 80,000 के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं करते। ऑफिशियल डाटा नहीं है सर ये 80,000 जो बताया जा रहा है, दैट इज नॉट ऑफिशियल डाटा। नहीं है बस जी, अपने ट्विटर के द्वारा ये आंकड़ा देते हैं, और जब ये आंकड़ा दिया जाता है ना उस कागज में देखिएगा तो उसमें कंप्यूटर साइंस की जगह कंप्यूटर साइंस करके लिखा हुआ है। स्पेलिंग तो गलत है, ना साइन है ना मोहर है, बल्कि ये कहने को तैयार नहीं है कि 80,402 लड़के क्वालिफाइड है, बल्कि 12 मार्च को 24,599 लड़के क्वालिफाइड थे। तो आंकड़ों का खेल जो है ना वो सरकार, हम लोग समझते हैं आंकड़ों का खेल का क्या है, कितने लड़के क्वालिफाइड है, इसको नॉट इन मेरिट बार आप लोग क्वालिफाइड है सभी को, आप बताइए 2011 वाले जो लड़के हैं उनको किस चरण में दीजिएगा। जब आप 30,676 लड़कों की बात करते हैं तो 2011 में भी तो लड़के होंगे क्वालिफाइड जो अभी तक नौकरी नहीं मिला, और आपके पास शिक्षा का बहाली सीट भी खाली है, और आप बैकडोर से जो चूंकि छठा चरण में चल रहा है उसमें 40,000 से 45,000 कम से कम 50,000 से ऊपर सीट खाली होने जा रहा है, तो सीट को भरिएगा कहाँ से? आप दोबारा एग्जाम कंडक्ट कर तो नहीं करवाइएगा, क्योंकि एक एग्जाम कंडक्ट करवाने में 10 करोड़ से ऊपर बिहार सरकार को पैसा खर्च होता है। तो इस बात को समझने की बात है कि आंकड़ों का खेल ये दिग भ्रमित करने की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा। ऐसा कुछ नहीं, अगर है तो लाइए ऑफिशियल डेटा, जारी कीजिए सब लड़कों का रिजल्ट। बल्कि ये चुनावी मुद्दा, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा जो है ना ऑलरेडी पॉलिटिकल का एक टूल बनकर रह चुका है, हर हमेशा ये इसको टूल के तौर पे हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने बेनिफिट के लिए यूज करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस बात को समझ ले कि जितने भी स्टेट क्वालिफाइड लड़के हैं उनको जितना जल्द से जल्द हो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके उन्हें नियुक्ति पर देकर उन्हें स्कूल में भेजे, अन्यथा ये लड़के अगर रोड पर आंदोलन करने लगे तो फिर वही जेपी का मूवमेंट तैयार हो रहा है। ये आप जान लीजिए, वही मोड़ लिया जा रहा है, जेपी मूवमेंट का ही मोड़ लिया जा रहा है, सर्टिफिकेट जल्द से जल्द। तो जेपी मूवमेंट का मोड़ लिया जा रहा है, जिस तरह से संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 में जयप्रकाश नारायण ने लगाया था उसी तरह का माहौल बन रहा है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। और वही जेपी नारायण, जेपी आंदोलन, जिस जेपी आंदोलन की देन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिस जेपी आंदोलन की देन है लालू प्रसाद यादव, जिस जेपी आंदोलन की देन है रविशंकर प्रसाद, या फिर हम कहें सुशील कुमार मोदी, बिहार का हर बड़ा नेता जो पुराने जमाने का है वो सब के सब जेपी आंदोलन की देन है। और एक बार फिर छात्र सड़क पर हैं और सड़क पर अपनी मांग को लेकर वो लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक युवा पीढ़ी सड़क पर उतरी है और सड़क पर उनकी मांग है कि
हमें रोज़गार दो, और रोज़गार भी शिक्षा का, शिक्षा एक ऐसी चीज़ जो भविष्य को तय करती है, भविष्य जो बच्चे होते हैं, और बच्चे ही बिहार के भविष्य हैं। बिहार सबसे युवा प्रदेश है, बावजूद इसके बेरोज़गारी इसके नस नस में घुसी हुई है, और बेरोज़गारी में बिहार एक बड़ा मुकाम हासिल किए हुआ है। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।